अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग सैम। आज हम झटपट यमी और स्पाइसी चिकन पास्ता बनाएंगे, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से, इंडियन स्टाइल में। तो आइए चिकन पास्ता बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं, जो इस तरह हैं। ये हमने 250 ग्राम पास्ता लिया है, 200 ग्राम चिकन के ब्रेस्ट पीस लिए हैं जो हमने छोटे छोटे कट कर लिए हैं इस तरह से, 2 हरी मिर्च लिए हैं जो हमने इस तरह से कट कर लिए लंबी लंबी, 1 मीडियम साइज की प्याज है इसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, 1 बड़े साइज की हमने गाजर ली थी इसे भी हमने लंबे लंबे में कट करा है, और 1 बड़े साइज की शिमला मिर्च को कट कर लिया है, 1 बड़े साइज का हमने टमाटर लिया है वो भी इस तरह हमने कट कर लिया है, और थोड़ी सी 1 बाउल हमने बीन्स लिए हैं। इस तरह से हमने ये सब कट कर लिया है। तो आइए पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें पास्ता को बॉईल करना पड़ेगा, तो सबसे पहले पास्ता बॉईल कर लेते हैं। ये हमने 800 ml के करीब पानी लिया है, इसमें हम 2 टीस्पून नमक डाल रहे हैं, 1 टेबल स्पून हम ऑयल डाल रहे हैं। ये रिफाइंड ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। पानी को बॉईल होने देते हैं, जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा इसमें हम पास्ता डाल देंगे। पानी बॉईल हो गया है, पास्ता डाल देते हैं, अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर देंगे क्योंकि ऑयल है इसमें, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हमें ये तब तक पकाना है जब तक ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, ढक करके 5 से 10 मिनट हम पका लेते हैं। जब तक पास्ता बॉईल हो रहा है तब तक हम पास्ता बनाने के लिए सारी चीज़ें ग्रेवी मतलब बना लेते हैं। पैन गरम है, 2 टेबल स्पून हम ऑयल डाल रहे हैं यहाँ पर, 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं ऑयल में, प्याज डाल देते हैं, थोड़ी सी सौते कर लेते हैं इसे 30 सेकंड के लिए। ये सौते हो गई हैं, इसमें हम शिमला मिर्च डाल देते हैं, गाजर, टमाटर और बीन्स। पांच मिनट के लिए हम इसे भी ढककर पका लेंगे। हमें इसे भी इतनी देर पकाना है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, इसकी क्रंचीनेस थोड़ी खत्म हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बहुत ज़्यादा गलाएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। 5 मिनट इसे भी पका लेते हैं। पास्ता भी बॉईल हो गया है हमारा, चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए ये देखिए बिल्कुल बॉईल हो गया, इतना ही करना है हमें, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा पकाते में भी गलेगा, ग्रेवी में जब हम मिक्स करेंगे ना तब भी गलेगा थोड़ा सा। इसे हम स्टैंड कर लेते हैं। ये स्टैंड करने के बाद हमने 1 बॉल पानी ले लिया है इसका, अब इसमें हम ठंडा पानी डालकर इसे ठंडी कर लेंगे। ये हमारी सब्जियां भी पक गई हैं, देखिए अब बस हम थोड़ा चिकन को भी रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हम चिकन पास्ता बना रहे हैं। ये हम थोड़ी बड़ी कढ़ाई ले लेते हैं क्योंकि इसमें हमें बाद में पास्ता भी ऐड करना है। कढ़ाई गर्म हो गई है, 2 टेबल स्पून ऑयल और ऐड करेंगे, ऑयल गर्म हो गया है। अब हम चिकन को गलाने के लिए थोड़े से और इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये हमने 6-7 लहसुन की कलियां कट करी थी इसे हम डाल देते हैं, 30 सेकंड के लिए इसे भी हम सॉटे करेंगे। ये हरी मिर्च जो थी ये भी डाल देते हैं हम, ये सॉटे हो गई हैं। अब इसमें हम चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे और चिकन को जब तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज हो जाएगा।
दो मिनट में चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। दो मिनट फ्राई कर लेते हैं। बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। जब तक चिकन फ्राई हो रहा है तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये देखिए चिकन का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। हाफ टी स्पून लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून ज़ीरा है, हाफ टी स्पून काली मिर्च है और हाफ टी स्पून ही चाट मसाला, ये सब हम डाल देंगे। हम नमक डालना भूल गए हैं, हाफ टी स्पून नमक मिक्स कर दिया है। एक बार टेस्ट भी कर लीजिएगा क्योंकि सॉसेस जो हम इसमें मिक्स करेंगे उसमें भी नमक होता है। तो आइए कुछ सॉसेस हम इसमें मिक्स कर देते हैं। 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर सोया सॉस ऐड कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून ही हम यहाँ पर वाइट विनेगर डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस है। आप ध्यान रखिएगा अच्छी खासी तीखी होती है ये। जितना आपको चटपटा खाना है उसी के हिसाब से आप ऐड कर दीजिएगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो रेड चिली सॉस को अवॉइड कर दीजिएगा। ये हम इसमें 2 टेबल स्पून टमाटर केचप डाल रहे हैं। इससे हमारा चिकन पास्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। जो हमने पानी निकाला था पास्ता बॉईल करने के बाद उसमें से आधा हम डाल देते हैं और 5 मिनट अब इसे ढककर पका लेते हैं क्योंकि हमें चिकन को गलाना भी है। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। चिकन गल गया है, 5 मिनट हो गए हैं। तब इसमें हम सब्जियां ऐड कर देते हैं जो हमने अभी कुछ देर पहले पकाई थी। सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स कर दें चिकन में। पास्ता भी ऐड कर देते हैं। पहले थोड़ा सा मिक्स कर लें आधे को। देखिए कितने मजेदार लगना शुरू हो गया है, खाने में तो मजा आ जाएगा बिल्कुल। सारा पास्ता हमने मिक्स कर दिया है। हमने 1 बाउल हरा धनिया लिया था, इसमें से आधा हम अभी मिक्स कर रहे हैं, आधा गार्निश के टाइम मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करके 5 मिनट पका लेते हैं एक बार ताकि अच्छी तरह से टेस्ट पास्ता में मिक्स हो जाए। 5 मिनट के लिए ढक देते हैं और मीडियम कर देते हैं फ्लेम को। पाँच मिनट हो गए हैं, चिकन पास्ता बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। सर्व करते हैं फटाफट और खाते हैं। ये देखिए चिकन पास्ता बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए अब हम इसमें हरा धनिया गार्निश कर देते हैं। कितनी मज़े की लग रही है। अगर आपको मेरी चिकन पास्ता की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।